सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो पैनकेक की रेसिपी। दोस्तों, इसे आलू का चीला भी कहा जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ये पोटैटो पैनकेक बहुत अच्छा लगता है, बड़े को भी पसंद आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट रेसिपी वीडियो हम आप तक सबसे पहले ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं 3 आलू। इसको हम छिलका हटा के अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो हम ये ग्रेटर लिए हैं, मोटा वाला से हम करेंगे, एकदम पतला वाला से नहीं करना है, हल्का सा मोटा वाला से ही करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं आलू को। तो सभी आलू को हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं। अब सभी आलू को इसी तरीके से हम ग्रेट कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, मीडियम में हम इसको ग्रेट किए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो हट जाए। तो हम इसको 5 मिनट के छोड़ देते हैं। तब तक हम आपको बाकी सामान दिखा देते हैं, हम क्या क्या लिए हैं इसमें डालने के लिए। तो और हम यहाँ पे लिए हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को एकदम बारीक काटे, 4 चम्मच मैदा, 2 चम्मच बेसन, 3 चम्मच, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और तेल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है, अब हम आलू को पानी में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसको निकालेंगे, ताकि इसमें पानी थोड़ा सा भी ना रहे। इस तरीके से मिक्स करके इसमें जितना भी स्टार्च है सब हट जाएगा। तो इस तरीके मिक्स करके और इसको दबाते हुए हाथों की मदद से अच्छे से दबाएंगे, और इसमें से सारा पानी को निचोड़ के और निकाल लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पोटैटो पैनकेक अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसी तरीके से सारे आलू को निचोड़ के हाथों की मदद से सारा पानी इसमें से निचोड़ देंगे, निकाल देंगे, और तब हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है हाथों की मदद से। तो हम सारे आलू को हम निकाल लिए हैं और इसको प्लेट में से बाउल में डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं, आलू एकदम सूखा है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी एकदम बारीक चॉप करना है, बारीक कट करना है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो 4 से 5 चम्मच हम इसमें मैदा डाल देते हैं। ये देखिए, तो मैदा डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। तो हम यहाँ पे 3 चम्मच बेसन लिए हैं, उसको हम डाल देते हैं। और उसके बाद हम बाकी जो सामग्री लिए हैं वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पे आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिए हैं, वो हम डाल देते हैं। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लिए हैं काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच। हम यहाँ पे एक और चीज़ लिए हैं, वो हम आपको नहीं दिखाना भूल गए थे, ये लेकिन ऑप्शनल है। हम इसमें चाट मसाला ले रहे हैं 1 चम्मच, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डाले, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम बस चाट मसाला डाले हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक सबसे लास्ट में डालना है, नहीं तो आलू में से पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए नमक लास्ट में डाल के आधा चम्मच नमक डालें, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक हम कम डालें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए, जब नमक मिला दे तो ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है, तुरंत बना लेना है। और एक बार इसको इस तरीके से हाथों में लेके देख ले, जो ये बाइंड होता है कि नहीं। तो पोटैटो पैनकेक का मिक्सचर बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए, गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिए हैं, उसमें हम 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। हम रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के इसको हम गर्म कर लिए हैं, और इस तरीके से हाथ पे लेंगे इसका थोड़ा सा मिक्सचर पोटैटो पैनकेक का, और इस पर डाल के और हाथों की मदद से इसे गोल कर देंगे। आप कोई भी शेप इसमें डाल सकते हैं। हम इसको गोल बना रहे हैं, तो गोल कर दिए हैं। हम फिर से थोड़ा सा और मिक्सचर लेंगे। तो इस पैन में जितना आटेगा उतना हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, एक और थोड़ा सा मिक्सर हम लिए हैं, और इसको पैन में ही डाल के और इसको गोल कर देंगे।
अगर आपको पैन में डाल के गोल करना नहीं हो तो आप हाथों की हाथ में ही डाल के गोल कर ले इसको मिक्सचर को। तो ये देखिए एक बार में हम 3 पोटैटो पैनकेक इसमें डाल दिए हैं पैन में, आप देख सकते हैं। तीसरा वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया है मुझसे, तो हम तीनों को पकने देते हैं एक तरफ से, इसको ढक देंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, तब हम इसको पलटेंगे। इसको ढक दिए हैं मीडियम फ्लेम पे, हम इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं, तब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट देते हैं और दूसरे तरफ से भी अच्छे से पकने देंगे। तो इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं, आप देख सकते हैं दूसरे तरफ से कितना अच्छा कलर आया है। पोटैटो पैनकेक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में भी आसान है, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। तो हम सभी पोटैटो पैनकेक को पलट देते हैं और फिर से ढक के और दूसरे तरफ से भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक बार चेक करते रहें, एक बार चेक कर लें कि जल तो नहीं रहा है, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फिर से ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों आलू का चीला यानी कि पोटैटो पैनकेक बनके तैयार है। तो हम इसको फिर से पलट के आपको दिखा देते हैं कि दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है और हमारा ये पैनकेक बनके तैयार है। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, सभी पोटैटो पैनकेक को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर से हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए एक एक करके सभी को हम निकाल लेंगे। तो हम सभी को निकाल लिए हैं, अब हम इसको फिर से पैन में 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अब हम फिर से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिश्रण को हाथों में लेके और पैन में डालना है और इस तरीके से गोल हम इसको अच्छे से कर देंगे और एक बार में जितना इसमें जा सकेगा उतना हम बना लेते हैं। तो एक एक करके सारे पैनकेक को हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए अगर आपको पैन में इस तरीके से गोल ना हो पाए तो आप हाथों की मदद से भी इसको कर सकते हैं, हाथ में भी रख के। तो ये देखिए हम फिर से डाल दिए हैं 3 हम डाल देते हैं और उसके बाद इसी तरीके से हम सारे पोटैटो पैनकेक को बना के तैयार कर लेंगे आलू के चीले को। इसको हम ढक दिए हैं और जैसे पहले वाले को हम पकाए थे उसी तरीके से इसको भी पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों पोटैटो पैनकेक बनके तैयार है। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में भी टेस्टी लगता है। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, बच्चों को इसे टमाटो केचप के साथ दें और बड़े इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी आसान है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है खाने में। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।